तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जो आपका कोस्ट गार्ड फिर सिक्योर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा और डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा अभी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि जनरल जो भी जीडी के लिए है, एक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी के लिए अलग है। दोनों को मैंने अलग अलग बता रखा है, दोनों को आप देख ले। कोस्ट गार्ड फिर सेकेंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका ये होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल लेवल पर बनता है। आप अपने स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके मत जाना, नहीं तो वो आपको कैंसिल कर देंगे और रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेकर चल जाना और मैं आपको वहाँ पे वीडियो में ऊपर दिखा दूंगा कैसे होता है कास्ट सर्टिफिकेट। आप लोग देख ले, आसानी से देख लीजिए, ये है कास्ट सर्टिफिकेट आपका, देख लिया आपने। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल वाला वो लेके जाना है, इसको ओबीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जो एससी होगा उसके लिए एससी सर्टिफिकेट, और जो एसटी होगा उसके लिए एसटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसके 5 कॉपी लेके जाना, और 5 से 10 कॉपी लेके जरूर जाना क्योंकि वहाँ पर आपको बोलेंगे 5 से 10 कॉपी लाने के लिए। तो देख लीजिए, ये है आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला। उसके बाद फिर बात करते हैं सेकेंड जो होता है आपका 10th मार्कशीट प्लस 10th पासिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट कौन सा है। तो देख, एक होता है मार्कशीट वाला, एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट आपके 10th या 12th करने के बाद 3 साल बाद मिलता है। अगर आपके पास ये पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई चिंता का विषय नहीं, वो भी मैं बताऊँगा लास्ट में कि क्या करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 10th मार्कशीट, अगर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट है तो उनको ऐसा एक मिलता है जिसमें मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट दोनों सेम ही रहता है। उसका CBSE बोर्ड का एक ही में सारा होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। CBSE बोर्ड के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, उनको का उसके उसके लिए मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम ही रहता है दोनों। अगर बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड के कोई भी स्टूडेंट है तो उनके लिए एक स्कूल से मिलता है मार्कशीट के साथ एक एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। किसके जगह पे, पासिंग सर्टिफिकेट के जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा के भी आपका काम हो जाएगा, तो इसके लिए घबराना मत, देख लीजिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं 12th की मार्कशीट प्लस 12th की पासिंग सर्टिफिकेट। जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट, उनको सिर्फ 12th का मार्कशीट चाहिए, उनको दोनों एक ही में दिया रहता है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको देख लीजिए ऐसा दोनों लेना पड़ेगा। आपके पास होगा एक, ये जो हो गया क्या हो गया मार्कशीट, और ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो काम चल जाएगा किसके जगह पर, पासिंग सर्टिफिकेट के जगह। देख लीजिए ये और ये, देख लिया ना दोस्तों। तो ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये आप लेके जाना। और आधार कार्ड ओरिजिनल, आप आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाए, क्योंकि विदाउट आधार कार्ड ओरिजिनल आपको वहाँ पर इंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि वही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होगा। तो आधार कार्ड ओरिजिनल जरूर लेके जाना विथ 10 फोटोग्राफ्स, और आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, उसके बाद उसका 10 कॉपी भी लेके जाना है। उसका 10 कॉपी लेके जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पर फोटोकॉपी आपको मेडिकल के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ये सब देने के लिए वहाँ पर बोलेंगे, तो 10 कॉपी जरूर लेके जाना। उसके बाद आता है 20 कलर फोटो। तो अपने जो इमेज आपने खिंचवा रखा हो अपने एडमिट कार्ड में जो आपका होगा, तो वही आप 20 फोटोग्राफ्स लेकर जाए, आप PC लेके चले जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इमेज की, वहाँ बोलते हैं कि ज़्यादा इमेज लेके आओ, तो फिर आपको वहाँ पर फोटो कॉपी करवानी होगी। तो उस झंझट से बचने के लिए आप 30-40 फोटो रख ले, ताकि आपको आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज सेकेंड एडमिट कार्ड का 10 कॉपी, वो भी कलर प्रिंट लेकर जाना। फेज सेकेंड का एडमिट कार्ड और कलर प्रिंट, मैं भी कुछ पहले ऐसे ही पास आउट हुआ था, मैंने भी फेज सेकेंड दिया था, देख लीजिए दोस्तों। मेरा इस प्रकार का एडमिट कार्ड है, जिस टाइम परसेंटेज बेस था उसके अनुसार, तो मैं भी वहाँ पर गया था, और मेरा पड़ा था भुवनेश्वर में, और पल्ली भुवनेश्वर उड़ीसा, तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड कैंपस में मेरा यहाँ पर फेज सेकेंड के लिए आया था। मैं भी सारे आपका अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैं वहाँ क्या क्या हुआ और क्या आपको वहाँ करवाया जाएगा। तो देख लीजिए ये फेज सेकेंड का जो है वो क्या है, एडमिट कार्ड है, ये आप जरूर लेके जाना। तो मैं आगे आपको वीडियो में डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, देखिए दोस्तों ये फेज की सेकेंड की एडमिट कार्ड। उसके बाद बात करते हैं DV डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट।
तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट का 5-5 कॉपी, अब 10 कॉपी ले लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर खोजा जाएगा। तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आपको मैंने बता दिया था कि सीबीएसई बोर्ड होगा तो 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों साथ में रहता है, अगर बिहार बोर्ड के होंगे तो ये दोनों लेके जाना है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ये देख लीजिए आपका मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके आना, वो भी 10 कॉपी, आप इसे देख ले क्या क्या लेके जाना, उसका 20 कलर फोटो, उसके बाद फीस सेकेंड एडमिट कार्ड जो इम्पोर्टेंट है, और 10 कॉपी क्या कलर प्रिंट आउट निकाल के जाना, 10 कॉपी कलर प्रिंट आउट और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी ओबीसी जो भी होंगे, और हाँ जनरल कैटेगरी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है, आपका एससी एसटी और ओबीसी को कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, वो भी 5 कॉपी और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना, 5 कॉपी प्लस ओरिजिनल भी लेके जाना आपको कॉपी के साथ, तो आप जरूर से लेके जाए। और दिखा मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, ये कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, जो एससी होंगे उनके एससी होगा, मेरा ओबीसी है देख लीजिए, है ना। तो ऐसा ही सर्टिफिकेट आपके भी होंगे ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए बना के देना। और दोस्तों मैं इसके बाद अगला वीडियो में बताऊंगा कि आपको फेज सेकेंड में, जो कि कल बताऊंगा कि फेज सेकेंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ, कब रनिंग हुई, कब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ, कितने पुशअप लगाया गया, सारे वीडियो में दिखाऊंगा। इससे पहले मैं वहाँ भुवनेश्वर, देख लीजिए यहाँ पर मैं भुवनेश्वर होकर आया हूँ, जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था, कोस्ट गार्ड लैंड नियर स्कूल ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन कैंपस 2 पलासपल्ली। तो आपको मैं हर एक चीज़ का बारीकियों से बताऊँगा कि वहाँ क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी नेम में एरर है तो आप ठीक कर ले, वरना वहाँ पर रिजेक्ट कर देते सीधा, तो इसलिए आप देख लें डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और इस जरूर से जरूर सारे डॉक्यूमेंट ले लेना। तब के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।